वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी तेजा सिंह समुंदरी हॉल प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा कमेटी नूं मंग पत्र देण आए हैं, जिहड़ा कि प्रताप सिंह जी उन्हां दे सकत्तर ने साडे तों लिता हैगा। उहदे विच असी गल रखी है कि सिख कौम दे उत्ते वड्डे हमले अंतरराष्ट्री पद्धर दे उत्ते कनेडा च अमरीका च हो रहे हैं, सिखां नूं टारगेटेड किलिंग की जा रही हैगी है, जिहड़ी बॉर्डरां पार करके सानूं मारिया जा रहा हैगा। ये एक सांझा साडे वास्ते चुनौती है ते इहदे उत्ते सारे पंथ नूं कट्ठे हो के कनेडा की तारीफ करनी चाहीदी है, अमरीका की तारीफ करनी चाहीदी है, और जो साडे नाल उरे बीतिया जिवें कि सिखां नूं चक चक के मारिया हरिमंदर साहब के अटैक के उत्ते, जद उरे बेकसूर संगतां आईयां सी गुरु अर्जन साहब महाराज के शहीदी दिहाड़े ते उन्हां दीआं लाशां ट्रकां च भर के गईयां, उन्हां दा कोई वेरवा नहीं। दिल्ली च साडा कतलेआम होया, इत्थे पंजाब च जसवंत सिंह खालरा जी दे केसां राहीं सानूं पता लगदा है कि साडे उरे शमशान घाटां च कतल होए हैगे ऐ, नहरां च सुट्टे गए हैं। ये जिहड़ी स्टेट पॉलिसी किलिंग दी है, इहदे विच कैट भी इनवॉल्व है। कैट DGP विरक ने स्पष्ट रूप से कहा सीगा कि भारत दे सरकार ने पंजाब दी सरकार ने वरत्या कैट, वो आंसर हैगे हैं जिहड़े कोई समगलर है जिन्हां दे उत्ते केस है, कोई लुटेरे हैं उन्हां ते केस दे सकंजे दे विच पुलिस ने उन्हां नूं अपना बना लिया ते टारगेटेड किलिंग उन्हां तों कीती है। सावंत गोयल जिहड़ा रॉ दा मुखी सी, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ SSP ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੈਟ ਵਰਤੇ। insaf.org ਦੇ ਉੱਤੇ 128 ਕੇਸ ਡਿਸਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੈਟ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੈਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਟ ਮੈਥਡ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ यादव भी उत्थे कटहरे च खड़ाता हैगा। इस मौके ते सिखां नूं जिहड़ा 40 साल ते साडे नाल बेइंसाफी हुई है, साडा घल्लूकारा होया, सानूं कोई इंसाफ नहीं मिलिया, अज इंटरनेशनल पद्धर दे उत्ते इहदा रौला पा के ये मौका गवाना नहीं चाहिए, सारे कट्ठे हो के इहदी मंग करनी चाहिए है। सिख कौम कट्ठी क्यों नहीं, आखर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हुण भी देखा जाए तो काफ़ी जिहड़ा कि कल परसों दे जिहड़े मामले सामने आए हैं, कितना ना कितना सिखां दे हिरदे भी वलुंदरे गए ने। सिख कौम कट्ठी क्यों नहीं हो रही, सेंटर दी सरकार आए बारी सिखां दे विच बिगड़ पा देंदी है। असी देखिया हैगा कि साडे गुरु घर दीआं कमेटियां तुसी देख लो, पटना साहब दे उत्ते बिना कोई चोण ते उत्थे अपने जथेदार नियुक्त करते हैं BJP ने। इसी तरह दिल्ली वखरी है, इसी तरह हरियाणा वखरा करता हैगा। सानू टोटे टोटे करके डिवाइड एंड रूल दी पॉलिसी ते इह चल रहे हैगे हैं। इहदे विच मैं दसना चाहुंदा ते समझदा कि जिहड़े स्थान ते आपां खड़े हैं जिथे अकाल तख्त साहब सुशोभित हैं, उत्थे जब आप दूजे अकाल तख्त साहब के जथेदार भाई मनी सिंह की याद करते हैं, उन्होंने इन्ने वड्डे टाकरे ते सामने मुगल हुकूमत नाल कीते, उन्हों का पुरजा पुरजा कट के मारता, पर वो डुले नहीं। जे हुण दे समय से आप देखिए कौंके साहब की सानू चेते आउंदी है, जिन्हां नू पुलिस ने चक के टॉर्चर करके डिसअपीयर करता हैगा, उन्होंने अपना धर्म नहीं छड्डिया हैगा। मैं बहुत हैरान है कि अज दे जथेदार छोटियां धमकियां दे उत्ते अहुदे अकाल तख्त साहब दे दमदमी दमदमा साहब दे छड के हंजू वगा के पिछे नूं पैंदे हैं। ये अकाल तख्त दे दमदमा साहब दे जथेदार दीआं मुरादां नहीं है। साडे जथेदार दृढ़ता नाल रब दे नाल नाल बेडर हो के पंथ दे सामने पेश हो के अपनियां मुश्किलां हल करदे हैं। इस्तीफे दे देना, भज जाना, अपना काम ना करना, ये कोई चंगी मर्यादा नहीं है। ये जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपना सरबंस दान करके दमदमा साहब बैठे कहिंदे जीवत हैं हजारों ते हौसला रखते सीगे, इन्हां च भी हौसला होना चाहिए। ये इस्तीफे ते बहुत कमजोरी मैनू लगती हैगी है, इहो जे काम नहीं करने चाहिए।